क्यूट है। स्कूल के प्रोग्राम में इनाम मिलता है, कितने सारे मेडल्स मिले हैं। मेरी बेटी ने पिछले बार स्कूल की डांस पार्टी में ऐसा डांस की कि सारे स्कूल तालियों से गूंज उठी और हमेशा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी बेटी तो दुनिया में टॉप आती होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी को कितनी सारी सूरतें और दुआएं याद है। आपको जो पूछना है उससे पूछ सकती हो। मैं इससे कुछ सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बेटा फरीन, बताओ अगर हमें नमाज पढ़ना हो और हमें पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी आपने तो बहुत आसान सवाल कर दिया, मुझे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल करो। स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा नहीं, आसान सवाल की जवाब दे दो। पानी नहीं मिले तो क्या करना है? नमाज की छुट्टी, पानी ही नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बेटा आफिया तुम बताओ अगर हमें पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी जान जब कभी ऐसा मौका हो जहां पानी मैसर ना हो या पानी से किसी बीमारी के बनने का अंदेशा हो या पानी तक पहुंचना मुश्किल हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना, नमाज कज़ा नहीं करना। अम्मी ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। अरे तुमने ही तो कहा था मेरी बेटी को सब कुछ आता है, कर देना मेरे आंसर। चलो इससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना आ गया, बस मुसलमान हो गया, दूसरे चीजों क्या क्या करना है? हमें सात चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। पहले तो हमारा ईमान अल्लाह ताला पर हो, दूसरा उसके फरिश्तों पर, तीसरा उसकी किताबों पर, चौथा उसके रसूलों पर, पांचवा आखिरत के दिन पर, छठा अच्छी बुरी तकदीर पर जो खुदा ताला की तरफ से होती है, सातवा मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अरे मेहमान इधर खड़े और तू वहाँ जाकर बैठी है, इधर आ। अम्मी इनकी बेटियों से भी सवाल करना चाहिए ताकि पता चले इनकी बेटियों को दुनिया का कितना नॉलेज है। हाँ बेटा तू सह के यही है। नाजा आपा तुम बताओ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है। आफिया आप बताओ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसको सीपीयू कहते हैं। अच्छा एक दूसरा सवाल, देयर आर 3600 सेकंड इन वन आवर मिली सेकंड इन वन डे। देयर आर 86,400 सेकंड्स आर इन वन डे। देखो आपा जिसमें जैसा शक होता है वो जाहिर होता है। आपने अपना मकसद सिर्फ दुनिया बनाया इसलिए आपकी बेटी सिर्फ दुनिया भी एतवार से सोचती है, इसके बरखिलाफ इसे दीन के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। मैं अपनी बेटियों को दोनों एतवार से मेहनत कराती हूँ इसलिए इसे दोनों लाइन का इल्म है। सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, लिहाजा इस्लामी तालीम हमारा अव्वलीन फरीज़ा।
मुझे सब कुछ पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान, आप ठीक कह रही हैं, इनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तो चुप रहो, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत है। प्यारी बहन, बुरा मत मानना, पता होने का नाम इस्लाम नहीं, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपनी बेटियों को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटी दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। हाँ अम्मी जान, मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान दूंगी, लेकिन आप नाजिया और आफिया की तरह आपा मैं आपसे वादा करती हूँ कि दीनी तालीम जरूर हासिल करूँगी और स्कूल की पढ़ाई में दुगुना मेहनत करूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। और हाँ आपा, बच्चों में सही दीनी तालीम और तरबियत होती है तो वो स्कूलों कॉलेज में जाकर फालतू मस्जिद में अपना वक्त जाया नहीं करती और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है। तब इनकी यह मेहनत निखर कर सामने आती है और इस्लाम का दिफा करती है। क्या आपने पिछले साल मुस्कान का वाक्या नहीं सुना था, कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया? ये उसके वालिदैन और उस्ताद के दीनी तालीम और तरबियत का नतीजा है। आज स्कूलों कॉलेज में लड़के लड़कियाँ क्या नहीं करते, हमें सब कुछ पता होता है। ये सिर्फ उस वजह से पता होता है कि बच्चों में सही गलत की तमीज नहीं होती। आपकी बात मैं बखूबी समझ गई। इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी की उस जज्बात की कदर